यूपी सरकार में मत्स्य मंत्री संजय निषाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और अपने विभागीय योजनाओं की जानकारी दी। मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री मत्स्य योजना से जिन मछुआरा महिलाओं को लाभ नहीं मिल पा रहा उनके लिए व्यवस्था शुरू की जाएगी। मछुआरे समुदाय में जो भी मछुआरे काम करते हैं उनको किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में बिना गारंटी के 1,60,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी विस्तृत से बताया कि प्रधानमंत्री की और माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारा एक ही सपना है कि जो अंग्रेजों द्वारा 1857 की आज़ादी के बाद से उजड़े परिवार हैं, मछुआरे हैं, उनके साथ और भी जातियां हैं, ऐसे उजड़े परिवारों को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए उन्हें सहयोग की आवश्यकता है। तो हम अनुदान के रूप में, ज्ञान के रूप में हम उन्हें ला रहे हैं। मत्स्य पालन क्षेत्र जो है यह व्यापार का सबसे अच्छा क्षेत्र है। अगर हम 20 लाख 10,000 रुपया बैंक में डालते हैं तो 10 साल बाद 20,000 होगा। अगर हम मछली में डालते हैं तो 1.5 साल बाद वो दुगने में होता है। तो ये जो ग्रोथ रेट है मत्स्य व्यापार में, तो हम सबको आमंत्रित करते हैं।